नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। आज सोमवार का दिन है, कमोडिटी बाजार का हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, फर्स्ट वर्किंग डे है। आज जानेंगे कि सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और जानकारों का क्या कहना है कि आगे जाके किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो आज सोमवार का दिन, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, जानेंगे कि कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने और चांदी में देख रहे हैं कि जो चमक है, जो शान है सोने और चांदी की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें रिकॉर्ड हाई लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर बात यहां पर इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट की करें तो इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में हमने सोने को $2,000 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर जाते हुए देखा है। इतना तब जाते हुए देखा था जब लॉकडाउन लगा था 2020 के अंदर, जब सोने ने घरेलू वायदा में भी नया रिकॉर्ड दर्ज किया था। ये वो वाले लेवल्स हैं। अभी ये जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ये इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव पैदा हुए हैं जंग से, उसकी वजह से कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। और जब कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं क्रूड के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर और अन्य रिसोर्सेस के ऊपर, उसकी वजह से जो सप्लाई में जो बाधा पैदा हो रही है, उसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें एक जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सोने चांदी की कीमतों में इस समय वर्तमान में रशिया यूक्रेन की जंग के चलते, युद्ध के चलते सेफ हेवन डिमांड देखने को मिल रही है। इस समय की बात करूं तो इस समय गोल्ड इस समय भी $1,994 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.5% की बढ़त है। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर भी 1.25% की तेजी के साथ $26 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदे की बात करें तो घरेलू वायदे में भी जो MCX गोल्ड है वो 53,000 के पार निकल चुका है। देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट का जो तेजी वाला जो असर है वो भी घरेलू वायदा में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो 56,200 का जो हाई लगाया था लॉकडाउन के दौरान साल 2020 में गोल्ड, MCX गोल्ड ने, वो अभी देखने को नहीं मिला है। इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रहा है सोने चांदी की कीमतों में। दूसरा, यहां से जो रुपया है वो काफी ज्यादा कमजोर हुआ है। डॉलर ने 99 का लेवल छुआ है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों को भी सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि जो हर कमोडिटी हो गई, हर एक तरह की यील्ड हो गई, कुछ भी हुआ कमोडिटी से रिलेटेड, सभी में ही तेजी देखने को मिल रही है। जानकारों की अब यहां से ये राय है कि जो सोना चांदी है सुरक्षित निवेश मांग, जब तक ये युद्ध खत्म नहीं हो जाता है रशिया और यूक्रेन का, तब तक सोने चांदी की जो सुरक्षित निवेश मांग है वो ऐसे ही यहां से आगे बढ़ती रहेगी। सोने चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिलता रहेगा। वायदा बाजार जो है उसमें लगातार तेजी ही देखने को मिलती रहेगी। लेकिन जानकारों का यह भी कहना है कि अगर किसी भी दिन नेगेटिव न्यूज की जगह अगर पॉजिटिव न्यूज आती है और मार्केट में कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनते हैं, तो जो मुनाफा वसूली है एक दिन के अंदर अंदर वो भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ऊंचे स्तर पर थोड़ा संभलकर ट्रेड करने की आवश्यकता है, ऊंचे स्तरों पर थोड़ा संभल के ट्रेड करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर मुनाफा वसूली आती है तो जो लेवल्स हैं वो भी नीचे, काफी ज्यादा नीचे जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल रुझान सोने चांदी में यहां से अभी तेजी वाला ही रहने वाला है। बात करेंगे यहां से कच्चे तेल की। तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल WTI $124 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 7.5% की बढ़त है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 9% की तेजी के साथ $128 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि क्रूड ऑयल ने, कच्चे तेल के बाजार ने $138 पर बैरल, यानी कि $138 प्रति बैरल का भी स्तर छू लिया है। उसके बाद से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो जो लेवल है अब 120 से 130 की रेंज में देखने को मिल रहा है। जो क्रूड है उसमें देख रहे हैं लगातार जोरदार तेजी ही देखने को मिल रही है। क्रूड से रिलेटेड आपको भी कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि जो अमेरिका है, अमेरिका समेत अन्य देशों ने रशिया से क्रूड खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो अमेरिका है, नाटो देश है और नाटो समेत जितने भी अन्य देश हैं जो इस समय यूक्रेन के फेवर में है, उन्होंने रशिया से कच्चा तेल खरीदने पर पाबंदी लगाई है। और पाबंदी इसलिए लगाई है क्योंकि रशिया लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और सभी देश चाहते हैं कि रशिया पर इस समय फाइनेंशियली कुछ चोट पहुंच सके, आर्थिक
चोट पहुंच सके, इसकी वजह से वहां से रशिया से अभी कच्चे तेल की जो खरीदारी है वो रोकी जा रही है। पहले रशिया को स्विफ्ट से बाहर किया गया, जो कि एक स्मूथ पेमेंट सिस्टम होता है बैंकों के जरिए, पहले उससे बाहर किया गया। अमेरिका ने काफी सारे प्रतिबंध भी लगा दिए, जिसमें से एक है कच्चा तेल ना खरीदना। और अब अमेरिका ये ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि अगर लोग रशिया से कच्चा तेल खरीदने से पीछे हटेंगे, वहां से प्रतिबंध हटेंगे, तो जो रशिया है वो इन लेवल्स पर, बड़े लेवल पर कच्चे तेल की जो मार्केट है उसको कैप्चर करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में, इस महीने मार्च के महीने में, जो अमेरिकी सरकार है वो एक राहत पैकेज की घोषणा कर दे, स्टिमुलस पैकेज की घोषणा कर दे, क्योंकि इसका पूरा पूरा फायदा अमेरिका उठाता जरूर नजर आएगा। अमेरिका ने पहले नाटो देशों को आगे करा, उसके बाद फिर अब जो कच्चे तेल की मार्केट है उसको जब्त करने, उसको पूरा कैप्चर करने के लिए जरूर आगे आएगा। तो इसकी वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें एक उछाल जारी रह सकता है। दूसरा, रुपया गिरा है, डॉलर तेज हुआ है, उसकी वजह से भी गोल्ड सिल्वर समेत कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें एक तेजी देखने को मिल रही है। तीसरा कारण कच्चे तेल में तेजी का ये है कि जैसे कि अभी जो ईरान वाली जो न्यूक्लियर डील होने वाली थी उसमें डिले होती नजर आ रही है, यानी कि उसमें देरी होती नजर आ रही है, इसकी वजह से कच्चे तेल की जो मार्केट है उसमें जो उछाल देखने को मिल रहा है ये अभी आगे वाले दिनों में जारी रह सकता है। और जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक तो ये जारी रहेगा। और जो बाकी देश हैं जिन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ है रूस के कच्चे तेल पर, वहां से खरीदने से बच रहे हैं, उन्होंने अपने रिजर्व में से, यानी कि जो पहले से स्टॉक किया हुआ था उन देशों ने कच्चे तेल का, उसमें से अपनी इन्वेंट्रीज निकालनी शुरू कर दी है। अब जो बाकी देश है उन इन्वेंट्रीज की खपत कर रहे हैं, लेकिन यह भी देखा जाता है कि जो स्टॉक है वो भी किसी भी देश के पास इतना नहीं होता कि हमेशा सदा सदा के लिए ऐसे ही उस स्टॉक का इस्तेमाल करता रहे, ज्यादा से ज्यादा कुछ सालों के लिए कर लेगा अगर बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा स्टॉक है तो, वरना कुछ ही महीनों तक, और बाकी देशों की अर्थव्यवस्था भी डोल सकती है। इसकी वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें लगातार तेजी ही बनी रहेगी। और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसका असर भी भारत की पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जरूर पड़ने वाला है। 25 से 30 रुपए तो कहीं नहीं, मान के चलिए कि 25 से 30 रुपए पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उन पर बढ़ना तय ही रहेंगे। अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का जैसे नतीजा आ जाता है तुरंत कच्चे तेल में जो तेजी देखने को मिल रही है उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेज हैं, जो कीमतें हैं भारत में, वो एकदम आग पकड़ेंगे, एकदम उछाल के साथ बढ़ते नजर आएंगे, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो कच्चे तेल के अंदर भी ओवरऑल रुझान तेजी वाला ही रहने वाला है। जेपी मॉर्गन ने तो ये तक कह दिया है कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में $150 प्रति बैरल तक आगे जाती नजर आ सकती हैं। तो इस इशारे से ही समझा जा सकता है, और अभी जो वर्तमान में $138 प्रति बैरल का हमने ब्रेंट में हाई लगता हुआ देखा है, जो कि 2008 के बाद से सबसे ज़्यादा कीमतें हैं, इसी इशारों को समझते हुए देखा जा सकता है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी बढ़ने वाली हैं और कच्चे तेल की कीमतें आगे क्या रहने वाली हैं। तो कच्चे तेल में भी ओवरऑल रुझान तेजी वाला ही रहने वाला है। बात करेंगे यहाँ से अब बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में $5.01 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2% की बढ़त है। आपको बता दें कि कॉपर की जो इन्वेंट्रीज हैं उनमें गिरावट देखने को मिली है। चाइना बेस मेटल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ सबसे बड़ा कंज्यूमर भी चाइना ही है। तो ऐसे में वहां से कॉपर की जो अभी प्रोडक्शन इतनी देखने को नहीं मिली है, इस बार चाइना की तरफ से कॉपर की जो प्रोडक्शन है वो गिरी है। दूसरा, अभी क्रूड हो गया, गोल्ड सिल्वर हो गया, इनमें जो तेजी आई है, रशिया यूक्रेन वॉर का जो इंपैक्ट है वो भी कहीं ना कहीं बेस मेटल्स की कीमतों पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बेस मेटल्स की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। बात करें अगर घरेलू वायदा बाजार की, तो घरेलू वायदा में MCX निकल पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 12% की बढ़त है। MCX निकल को देख रहे हैं, फिर से कई सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, 2496 पॉइंट पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2500 से सिर्फ 4 पॉइंट की दूरी पर है। MCX जिंक 2.5% की बढ़त के साथ 383 पर है, और MCX लेड 192 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 2% की बढ़त के साथ। देख रहे हैं कि जो बेस मेटल्स का जो बाजार है वो भी रशिया यूक्रेन वॉर का जो इंपैक्ट चल रहा है उसकी वजह से उछलते नजर आ रहे हैं।
सबसे ज्यादा जो तेजी देखने को मिली है वो स्टील और एल्यूमिनियम में देखने को मिली है, जिसकी वजह से बाकी बेस मेटल्स में भी तेजी का ही असर देखने को मिल रहा है। रशिया से स्टील और रशिया यूक्रेन से जो स्टील आनी थी, जो वहां से जो प्रोड्यूस होती है, उसमें तेजी आई है। एल्यूमिनियम महंगा हुआ है। कॉपर की प्राइसेस हम पहले से ही तेज देख रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का भी दौर शुरू हो जाएगा, तो उनकी कीमतों पर भी बेस मेटल्स की तेजी का असर जरूर पड़ता नजर आएंगे, वो भी महंगी हो सकती है। तो ओवरऑल रुझान बेस मेटल्स में जो है तेजी वाला ही रहने वाला है। तो नॉन एग्री कम्योडिटीज में देख रहे हैं कि आज सोमवार के दिन, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, बाजार शानदार तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है, तेजी के साथ खुलता नजर आ रहा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बता रहे हैं कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, बेस मेटल्स में आने वाले समय में जो रुझान है वो भी तेजी वाला ही रहने वाला है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की।